वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना जिसके तहत विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है। इस विधवा पेंशन योजना को गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए बनाया गया है। योजना के तहत हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। चलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक इस योजना की सभी जानकारी देते हैं। जिन शादीशुदा महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के तौर पर उन्हें पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं। पैसा बैंक खाते के माध्यम से सीधे महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। इस योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, चलिए वो भी दिखाते हैं। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, महिला का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और निवास प्रमाण पत्र। विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको sspyup.government.in की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी को भरना है। इसके बाद इसे अप्रूव के लिए भेजा जाएगा। 2-3 स्टेप पर अधिकारियों द्वारा जांच किया जाएगा। अगर जांच में सभी जानकारी सही पाई गई तो विधवा पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत उन महिलाओं को लाभ दिया जाता है जो पति की मौत के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए या उससे कम है। ये महिलाएं अगर किसी अन्य पेंशन का लाभ ले रही हैं तो ये पात्र नहीं मानी जाती हैं। पहले 18 और अब 21 साल से ऊपर की विधवा महिला इसका लाभ ले सकती है। वहीं अगर कोई महिला दोबारा शादी कर लेती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में इसकी धनराशि में भी अंतर है। जैसे दिल्ली में 2250 रुपये प्रति महीना, महाराष्ट्र में 900 रुपये प्रति महीना, राजस्थान में 750 रुपये हर महीने, गुजरात में 1250 और उत्तर प्रदेश में ये राशि 500 रुपये प्रति महीना है। तो ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।